हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के दो वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो हमारे जो आज का वीडियो है ना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डी ब्रोगली पे डिस्कस करने वाले हैं। और डी ब्रोगली हमारे 11th में, 12th में, BSc में और साथ ही साथ ये MSc में भी देखने को मिलता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्रोगली वाला। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बुक है, ये है आज का वीडियो स्पेशली है BSc फर्स्ट टाइम वालों के लिए। BSc फर्स्ट टाइम का जो फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको यूनिट वन का फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आज हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। और ये वीडियो आप अगर आप 11th 12th या किसी भी क्लास में और केमिस्ट्री पढ़ते, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो आपकी हर क्लास में काम आएगा। ये वीडियो MSc में भी मेरे को डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट MSc भी देखने को मिला था, BSc में भी था, एंड साथ ही 11th 12th में भी ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो आज वीडियो हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली जो है, डी ब्रोगली हैड अराइव्ड एट हिज हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी विद प्लैंक्स कन्वर्जन ऑफ लाइट हैविंग वेव एंड पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रोगली ने जो अपनी हाइपोथेसिस दी, उसने प्लैंक्स की थ्योरी पे प्लैंक की थ्योरी के वेव एंड पार्टिकल नेचर के हिसाब से अपनी एक थ्योरी दी, अपनी एक हाइपोथेसिस दी, अपनी एक इक्वेशन दी। द डिस्टिंक्शन विद बिटवीन पार्टिकल एंड वेव्स बिकेम हेजी, वेरी हेजी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, द मटेरियल पार्टिकल हैव ड्यूअल नेचर, द वेव एंड पार्टिकल। तो डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के अनुसार जो मटेरियल पार्टिकल है वो ड्यूअल नेचर का होता है, वेव और पार्टिकल नेचर का। वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। अगर हमसे अदर वर्ड्स में कहा जाए तो मटेरियल ऑल्सो पजेजेस पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मटेरियल साथ ही साथ पार्टिकल और एज वेल एज वेव कैरेक्टर की तरह भी शो होता है। दिस थ्योरी पोस्टुलेट दैट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इवन एटम्स वैन इन मोशन पाजिस्ड वेव प्रॉपर्टीज एंड कुड ऑल्सो हैव अदर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेव लेंथ, वेव एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं कह रहा है। कि डी ब्रोगली जो है प्लैंक के जो थ्योरी थी उससे मिलता, उससे हेल्प ली, उसके जो वेव एंड पार्टिकल नेचर है उसको, उससे अपनी हाइपोथेसिस में हेल्प ली, और उसने बताया कि जो पार्टिकल है वो ड्यूअल नेचर का होता है, जो मटेरियल है वो ड्यूअल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर का और वेव कैरेक्टर का। तो इस तरीके से उसने एक हाइपोथेसिस दी थी जो हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। ही डिराइव्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन, उसने एक रिलेशनशिप बताई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मास एंड मूविंग बॉडी एट द वेलोसिटी। उसने एक रिलेशनशिप बताई मास और वेलोसिटी के बीच में अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। अब उसने उसके लिए किसकी हेल्प ली? अपनी एक जो इक्वेशन है, अपनी इक्वेशन में प्लैंक्स थ्योरी की हेल्प ली। तो प्लैंक्स थ्योरी क्या है हमारी? ई इज इक्वल टू एच म्यू, और साथ ही अपने लिए हमारी आइंस्टीन, जो हमारे साइंटिस्ट आइंस्टीन, उनकी थ्योरी की भी हेल्प ली, जो थी ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन उसने ली अपनी, उन्होंने ली अपनी एक अलग से थ्योरी, अपने एक इक्वेशन बनाने के लिए। तो हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बुक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि हमारी जो पहली इक्वेशन हो गई प्लैंक्स की हो गई, दूसरी हो गई आइंस्टीन की हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इधर दोनों जगह ई कॉमन है, तो हम ई को कर लेते हैं साइड। तो हमारा बच गया यहाँ पे Hμ इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक, MC स्क्वायर इज इक्वल टू Hμ। हम म्यू को लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू C/λ। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ क्या हो गया हमारा? MC स्क्वायर इज इक्वल टू HC/λ। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया MC इज इक्वल टू H/λ। क्लियर? अब M और C, M क्या है हमारा? मास, और C क्या है हमारी? वेलोसिटी। अब जब मास और वेलोसिटी दोनों साथ में हो तो मिलके क्या बनाएंगे? मोमेंटम। क्या बना लेंगे? मोमेंटम। अब यहाँ पे हमारा M और C दोनों साथ में, M मास हो गया, C वेलोसिटी हो गया, दोनों मिलके क्या बना लिया हमने? मोमेंटम। मोमेंटम किससे शो करते हैं? इससे। तो इक्वल टू H/λ। ठीक हो गया। अब हम ये H का था हमारा कांस्टेंट था, तो हम क्या कर देंगे? रो स्क्वायर टू 1/λ। तो H हमारा कांस्टेंट गया, यहाँ पे हमारा गया प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की जगह। तो ये हो गई डी ब्रोगली की इक्वेशन। इतना सबके समझ में आ चुका होगा। मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, और अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारी जगह H/λ। अब हम इसको बुक में देखते हैं। अब तो हमारे क्या था? प्लैंक की थ्योरी का थी E इक्वल टू Hμ। E हमारा फोटोन एनर्जी, H हो गया हमारा प्लैंक फोर्स, एंड V हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फिर आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप, पहले क्या किया था? प्लैंक की थ्योरी ली थी, उसके बाद ली आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप, जो कि थी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। हमने यहाँ देखा, ये देखा होगा
ये था हमारा प्लांक का और ये हमारा हो गया एंस्टीन का, ठीक है, हो गया, दोनों इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। फिर यहाँ पे लिखा है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, अब दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, ठीक है, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सेम यहाँ पे देखने को मिला, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फिर एम सी स्क्वायर हम इस साइड लिया, हमने कर दिया एम सी स्क्वायर इज इक्वल एच म्यू, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ पे अब हमारा हो गया एच सी अपॉन लैम्डा, कैसे हुआ, म्यू, म्यू को क्या बोलते हैं, सी अपॉन लैम्डा, म्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा भी कह सकते हैं, तो हमने सी अपॉन लैम्डा रख दी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, हमारा बच गया एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, एम सी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। अब मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम पी, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम पी, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम पी, यहाँ पे देख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम पी, तो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, तो पी इज इक्वल टू एच अपॉन वेवलेंथ, लैम्डा क्या है हमारी वेवलेंथ है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन वेवलेंथ, मोमेंटम इज डायरेक्ट, मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, वन अपॉन लैम्डा वन अपॉन वेवलेंथ बोल सकते हैं, पी इज इक्वल टू जैसे हमने यहाँ पे किया पी प्रोपोर्शनली वन अपॉन लैम्डा, तो वैसे यहाँ पे पी मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, हमारी क्या हो गई इक्वेशन थर्ड आ गई, ये क्या है हमारी इक्वेशन थर्ड, ये हमारी इक्वेशन वन, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड नाउ वी गेट इक्वेशन थ्री, आगे चलते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन थ्री है उसको हमने बोल दिया डी ब्रोगली इक्वेशन, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पी प्रोपोर्शनली वन अपॉन लैम्डा या पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। अब क्या बोल रहे हैं कि जो लैम्डा है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा लैम्डा है, अगर लैम्डा इस साइड आ जाए और पी जो है वो लैम्डा की प्लेस पे चल जाए, यानी कि लैम्डा और पी अपने जो प्लेस है चेंज कर लें, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब पी हमारा कैसे आया था, मास और वेलोसिटी के मिक्स से आया था, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, हमें मिल गया इक्वेशन डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है, सबके समझ में आ गया था ना, सिंपल था। द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन इज इनवर्सली, यानी कि जो मोमेंटम है पार्टिकल का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, प्लैंक कांस्टेंट एच बीइंग द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब जो प्लैंक कांस्टेंट एच है वो यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट बन जाता है, यानी कि अगर हमें प्रोपोर्शनल हटाना है तो हमें प्लैंक कांस्टेंट एच का यूज करना पड़ेगा। द डी ब्रोगली इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल पार्टिकल्स बट इट इज ओनली विथ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन दैट द वेव लाइक एस्पेक्ट इज ऑफ एनी सिग्निफिकेंस। डी ब्रोगली इक्वेशन वैसे तो सभी पार्टिकल्स के लिए, बट ये बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए ज्यादा सही है, जो कि इलेक्ट्रॉन दैट वेव लाइक एस्पेक्ट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस, जिनका इलेक्ट्रॉन का जो एक्सपेक्शन है वो सिग्निफिकेंस हो, उनके लिए ये जो इक्वेशन ज्यादा काम आती है। तो अभी हम आगे चलते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं हम अब डी ब्रोगली इक्वेशन की। डी ब्रोगली इक्वेशन इज वेल अप्लाइड इन द डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिटरमिनेशन के लिए अप्लाई की जाती है। बोस पॉस्टुलेट इन दिस एटॉमिक मॉडल वाज प्रेजेंटेड एज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज होल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। दिस पॉस्टुलेट्स ऑफ बोस थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग डी ब्रोगली इक्वेशन। बोस की थ्योरी को एक्सप्लेन किया जा सकता है डी ब्रोगली इक्वेशन के द्वारा, ठीक है। सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, इट्स वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये अपने सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, और जो ये यहाँ पे हमें शो हो रहा है ये उसकी वेव की क्या है, मोशन है, पर इसमें जो वेव है वो फेज में नहीं है, और यहाँ पे हमारा जो वेव है ना कट हो रही है, तो हमारा जो वेव है वो मोशन में नहीं है, लेकिन जो इस साइड है हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, जो हमारी वेव है वो कंटिन्यूसली मोशन में है, देख सकते हैं पूरी कहीं से भी वो नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो पूरी एक मोशन में है, ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज क्लियर दैट वेव मे रिमेन कंटिन्यूअस इफ द सर्कुमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल हैज द वैल्यू इज इक्वल टू द होल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इट मींस दैट टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये हमने ले लिया अब इक्वेशन वन फिर से। पुटिंग द वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू एच म्यू इन इक्वेशन वन, तो हमने क्या लिया, टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हमारी इक्वेशन वन हो गई। अब हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन वन में रख देते हैं, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन वन में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, ठीक है।
अब हम इस एम वी को इधर ले आते हैं और ये 2 पाई इसके प्लेस पर आ जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। सिंपल, इतना सबके समझ में आ गया ना, यहाँ पे देख लो एक बार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जो हमारी ऊपर आई थी डी ब्रोगली इक्वेशन, उसको हमने रख दिया यहाँ पे इस वाले लैम्डा के साथ, इसके स्थान पे, इसके प्लेस पे रख दिया हमने, जो हमारे डी ब्रोगली की इक्वेशन आई थी उसको हमने इसके प्लेस पे रख दिया। अब 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, अभी जो एम वी है इस एम वी को हमने इधर 2 पाई के प्लेस पे लगा, 2 पाई को एम वी के प्लेस पे ले गए, तो हमारे जो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। दिस द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन इन बोर्स मॉडल, ये डी ब्रोगली की इक्वेशन बोर्स मॉडल के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक हो गया। इन डिटरमाइनिंग द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, डी ब्रोगली इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इनकी वैल्यू रख दी है, लैम्डा एच की वैल्यू थी 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, एम की वैल्यू 9.109 टू 10 टू पावर माइनस 28 और वी की वैल्यू 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जाएगा 3.324 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और इसको हमने यहाँ पे चेंज करके लिख दिया, लैम्डा इज इक्वल टू 3.324 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 3.224 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये रही बात डी ब्रोगली वाले की। अब हम चलते हैं हाइजेनबर्ग की तरफ, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी 12th में देखने को मिल जाएगा और ये बीएससी में, ये हाइजेनबर्ग वाला एनएससी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ये बीएससी और 12th में है, और साथ ही साथ जो लोग 12th के बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं वहाँ आप लोग को देखने को मिल सकता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लाइक जेई नीट वगैरह के एग्जाम पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिल सकता है, और 12th में तो है ये, और बीएससी में भी आपको देखने को मिलेगा। इन 1927 जर्मन साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग गिव एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नोन एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, 1927 में एक जर्मन साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपना अनसर्टेन प्रिंसिपल दिया, कब दिया, 1927 में। तो उनका जो प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट करता है देखते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमिलरसली बोथ द पोजिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इम्पॉसिबल है निकालना कि दोनों की पोजिशन, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन दोनों की पोजिशन निकालना इम्पॉसिबल है, उनके जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि दोनों की जो पोजिशन निकालना है वो इम्पॉसिबल है। लेट डेल एक्स बी द असेंट्री इन द डिटरमाइनिंग इट्स पोजिशन एंड डेल पी द असेंट्री इन डिटरमाइनिंग इट्स मोमेंटम एट द सेम टाइम, देन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन द प्रोडक्ट ऑफ असेंटेनिटी ऑफ वेलोसिटी एंड पोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड कैन नेवर बी लेस देन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, डेल एक्स डॉट एम डेल पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, डेल पी इज इक्वल टू एम डेल एक्स, सॉरी यहाँ पे पी नहीं, यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, यहाँ पे पी आ रखा है, प्रिंट गलत हो रखा है, क्योंकि जो डेल पी है डेल पी की वैल्यू हो गई एम डेल एक्स, तो यहाँ पे हमने डेल पी को हटा के डेल एम डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, ठीक है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो रखा है, तो ये होगा डेल एक्स डॉट एम डेल एक्स, इतना क्लियर है। Thus it is clear that certainty about velocity involves complete uncertainty about position and vice versa. In order to know the exact position and wavelength is made very small, the velocity of electron becomes very large, which is difficult to determine correctly. On the other hand, if a large wavelength is considered, then velocity becomes slow, which can be determined accurately. But location of electron becomes more uncertain. In other words, the electron cannot be localized without giving it a high momentum. For larger particles, uncertainty principle has no significance. I'm certain. The physical concept of uncertainty principle will become clear if we try to know the position and velocity of the electron simultaneously. अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का द फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी बिकम क्लियर इफ यू ट्राई टू नो द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली, यानी कि इस जो प्रिंसिपल है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको नहीं मिलेगा अगर हम उसकी पोजिशन निकाला जाए, वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की हमें पोजिशन चाहिए तो हम इस प्रिंसिपल के हिसाब से निकाल सकते। पहले हमने पढ़ा था कि ये इम्पॉसिबल है दोनों की हमें पोजिशन निकालना, वेलोसिटी और मूविंग इलेक्ट्रॉन की, ठीक है।
वी वुड हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सुपर माइक्रोस्कोप इन ऑर्डर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालें तो हमें एक सुपर माइक्रोस्कोप की हेल्प पड़ेगी जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता कर सकते हैं. इफ ए मैटर इज एबल टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स सर्फेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ देन इट इज सपोज्ड टू हैव बीन सीन. In order to know the position of an electron, we have to use X-rays and gamma rays. अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है तो हमें एक्सरे और गामा रे का यूज़ करना पड़ेगा. उसके हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता कर सकते हैं. अभी हमें सुपर माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा तब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी सच फोटॉन्स ऑन कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रॉन वुड चेंज इट्स वेलोसिटी. क्योंकि जब हाई एनर्जी किसी फोटॉन में पड़ेगी तो उसकी कॉन्टैक्ट से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी चेंज हो जाएगी. Thus, an ascent is introduced in the determination in the position of an electron. It is therefore impossible to determine the correct position of a moving electron. ये impossible है कि किसी भी moving electron की हम correct position पता कर सकें. ये मतलब एक तरीके से नामुमकिन है कि हम किसी भी moving electron की position पता करें. ये इस तरह ये जो principle है uncertainty principle, Heisenberg की uncertainty principle है वो ऐसा कह रही है कि किसी भी moving electron की position पता करना एक तरीके से impossible है. It is thus clear that the Bohr's hypothesis that the electrons are moving with a definite velocity in closed orbitals is not correct. आगे इसका calculation देखते हैं. Calculation of ascendancy of velocity. ठीक है. Del x dot del p is greater than is equal to h upon 4 pi. तो यहाँ पे p की जगह हमने del x dot m del v कर लिया है. Is greater than is equal to h upon 4 pi. Del v is greater than is equal to h upon 4 pi into del x dot m. Del x dot m इधर आ गया जो हमारा इधर था. इसका place हमने इधर चेंज कर दिया. यहाँ पे हमारा लगे खाली डेल्फी. डेल्फी इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू वैल्यूज रख दी सबकी और हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा 5.79 इंटू 10^8 सेंटीमीटर इनवर्स पर सेकेंड. आगे चलते हैं. अगला है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल पे. According to Bohr, electron revolves around the nucleus in a definite orbital. Bohr के according nucleus जो है वो एक definite orbit पे ही round करता है. It has definite energy. उसकी जो energy थी वो definite होती है. यानी कि एक जो Bohr के electron के Bohr के अनुसार जो एक electron है उसका जो nucleus है वो उसका एक definite orbit होता है और उसमें एक definite energy होती है. But according to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible for electron to have a definite path. लेकिन Heisenberg के अनुसार एक electron का एक definite path होना is impossible. और वो बोर जो बोर हैं वो कह रहे हैं कि उसका ही डेफिनेट पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का. बट हाइजेनबर्ग के अनुसार है कि इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट पाथ होना इम्पॉसिबल है. ठीक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द करेक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. हाइजेनबर्ग के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजिशन और वेलोसिटी निकालना इज इम्पॉसिबल. बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस कैन बी एस्टिमेटेड. हाँ बट न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना इज ये हो सकता है. यानी कि एस्टिमेट है कि उसके अराउंड हम न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं. बट उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन पता करना इज लाइक टू बी इम्पॉसिबल. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिट वॉज प्रपोज बाय बोर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट कम इन टू एक्सिस्टेंट ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल. तो जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वो बोर ने प्रपोज किया लेकिन वो एक्सिस्टेंस में तब आया जब हाइजेनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल दिया. सो ऑर्बिटल कैन बी डिफाइंड एज. तो ऑर्बिटल को हम डिफाइन कर सकते हैं द रीजन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस राउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एन ऑर्बिट. ठीक है. एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में द रीजन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस राउंड द न्यूक्लियस. एक जो न्यूक्लियस है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में राउंड होता है. वेयर इज देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट. जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो क्या कहलाएगा हमारा ऑर्बिटल. इन हाइड्रोजन एटम ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट विद न्यूक्लियस. हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के राउंड में रिवॉल्व होते हैं. इट मीन्स दैट इट हैज़ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन. इसका मतलब है कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है. हैंस इट इज़ ऑर्बिटल ऑफ एच एटम और इसमें हाइड्रोजन एटम की
इसमें हाइड्रोजन अभी ऑर्बिटल हो सकता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज गिवन इन फिगर, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें एक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है, यहाँ पे फिगर में आपको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम इज डेफिनेट, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम डेफिनेट होता है। विद द चेंज ऑफ ऑर्बिटल द एनर्जी ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज, ठीक है, बट द चेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, यानी कि ऑर्बिटल के लिए एनर्जी और मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, बट एनर्जी और मोमेंटम का चेंज क्वांटिटाइज किया जा सकता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन मैटर वेव एंड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव, इट शुड बी केयरफुली नोटेड दैट मैटर वेव्स आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूरी तरीके से डिफरेंट होती हैं। द स्पीड ऑफ दीज वेव्स इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ लाइट, इन वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं होती है, इट इज अंडरस्टैंडली लेस, इनकी स्पीड लेस होती है। द वेव्स कैन नॉट बी रेडिएटेड इन एम्प्टी स्पेस, और ये वेव्स एम्प्टी स्पेस में नहीं रेडिएट की जा सकती हैं, दे आर नॉट सर्टेनली इमिटेड बाई द पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन, दे आर सिंपल एसोसिएटेड विद इट, द वेव लेंथ ऑफ मेटा वेव्स आर जनरली वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस आई स्क्वायर, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम नंबर एंड सब कुछ देखने को मिलेगा, क्वांटम नंबर हमारा 11th 12th बीएससी में मिल जाएगा, और अगर आप एमएससी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते तो वहाँ भी आप लोगों को मिल जाएगा क्वांटम नंबर वगैरह। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।